हेलो फ्रेंड, मैं वसीम और आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल नसीब यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से और एक कमाल का ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। जैसे आपने थंबनेल में देखे होंगे, दीवार को एक पंच में कैसे दीवार को तोड़ के अंदर घुसा जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको उस तरह का वीडियो बताऊंगा, आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में और एक बटन दिखाई दे रहा होंगे बेल का, तो उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाला इस वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, सबसे फास्ट। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो आपको सबसे पहले करना होगा, सबसे पहले आपको काइनमास्टर में चले जाना है। काइनमास्टर में आने के बाद आपको इस जगह में प्लस वाला जो सिंबल दिखा दे रहा हूँ आपके सामने, इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, तो आपको सबसे पहले इस तरह का एक वीडियो शूट कर लेना है, ठीक है। अब वीडियो शूट होने के बाद आपको करना क्या होगा, इस जगह में जो मीडिया वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने, सबसे पहले मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, मीडिया में जाने के बाद उस वीडियो को ले लेना है, सबसे पहले जिस वीडियो को आपने शूट किया है। चलिए पहले ले लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को ले लेना है। वीडियो को ले लेने के बाद आपको करना क्या होगा, वीडियो को ले लेने के बाद आपको सबसे पहले इस जगह में इस साइड को कट कर देना है जितना तक गलत हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है, इस पोजीशन में इस जगह में क्लिक करना है। वीडियो वाला लेयर में, वीडियो वाला लेयर में क्लिक करने के बाद कांसी वाला बटन में जाके आपको ट्राइम टू लेफ्ट अप प्लेहेड में क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद उसको कट कर देना है, और लास्ट में जितना तक गलत हुआ है इस पोजीशन में, जितना तक निकल रहा है उस पोजीशन से, ठीक है, इस पोजीशन में क्लिक करके आपको इस जगह में ट्राइम टू लेफ्ट राइट अप प्लेहेड में क्लिक कर देना है। उसके बाद कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, इस पोजीशन में जिस पोजीशन में एक पंच मार रहा है दीवार में, उस पोजीशन में आपको वीडियो को लाना है, ठीक है, इस पोजीशन में। ओके, इस पोजीशन में लाने के बाद आपको करना क्या होगा, एक लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले लेना है, क्रैक वाला, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको ले लेना है। इस तरह का एक वीडियो ले लेना है, ठीक है। वीडियो लेने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको इस साइड से घुमा लेना है इस पोजीशन में। ओके, घुमा लेने के बाद आपको नीचे में जाना है। इस जगह में नीचे में जाने के बाद क्रोमा की ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देना है, और जब इसको इनेबल कर देते हो तो आपके जो सफ़ेद कलर का है, इसको देख लेते हैं एक बार। चलिए इसको बड़ा कर लेना है इस पोजिशन में। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पंच मारते हैं उस पोजिशन में, होता है कि नहीं देख लीजिए। चलिए उस पोजिशन में नहीं हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आपको थोड़ा सा इस साइड में हटा लेना है, यानी कि इस वीडियो को, यानी कि प्लेयर को, इसको थोड़ा सा आपको घुमा लेना है। ओके, इसको इस पोजीशन में आपको घुमा लेना है। चलिए जिस जगह पंच मारा था उस जगह में हुआ कि नहीं हुआ, फिर सॉरी पर देख लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आपको पोजीशन को ठीक कर लेना है, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, हो चुका है। तो आपको करना क्या होगा, आपको पोजीशन जिस हिसाब से होता है उस पोजीशन में आपको क्या करना है, उसको रखना है। रखने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको लेयर में क्लिक करके क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक, एडजस्ट कर लेना है। कर लेने के बाद आपको करना क्या होगा, इस पोजीशन में आपको, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पोजीशन में थोड़ी इसका कलर थोड़ा ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या होगा, इसको फिक्स कर लेना है सबसे पहले। ओके, अब होने के बाद आपको करना क्या होगा, इस पोजीशन में मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पोजीशन में आपको करना क्या होगा, इस पोजीशन में आपको इस जगह में क्लिक करके कैप्चर एंड सेव फॉर्मेट प्लेहेड में क्लिक कर देना है, और एक इसको एक कैप्चर ले लेना है, ठीक है। और जब भी कैप्चा कंप्लीट हो जाता है तो आपको इसको कट कर देना है। कट कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो कि बैकग्राउंड इरेजर है। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओके, ओपन करने के बाद इसको लोड फोटो में जाके आपको उस फोटो को क्या करना है, इरेज कर लेना है। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से करेंगे। इसमें जाना है, अब जाने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इस जगह में जो देख रहे होंगे, तो आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है आपको फोटो को, ठीक है।
जूम कर लेने के बाद इसका साइज बढ़ा करके इस साइज में पूरा आपको कर लेना है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जब भी हो जाता है, होने के बाद आपको करना क्या होगा, इस पोजीशन में जब भी हो जाएगा इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको सेव कर लेना है। ठीक है, और सेव कर लेने के बाद आपको करना क्या होगा, फिर से आपको काइनमास्टर में चले जाना है। काइनमास्टर पे जाने के बाद जिस पोजीशन में आप इस दीवार में घुसना स्टार्ट करेंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्ले कर लेते हैं। ठीक है, जब भी इसको खत्म होता है, इस पोजीशन में आपको करना क्या होगा, इस पोजीशन में आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाने के बाद मीडियम में जाना होगा। मीडियम में जाने के बाद जिस कैप्चा को आपने अभी इरेज किया है, इस कैप्चा को इरेज को ले लेना है, इस वाला फोटो को ले लेना है। अब लेने के बाद इसको फुल स्क्रीन इस जगह में क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। ओके, फुल स्क्रीन कर देने के बाद इस बार एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। तो आप शायद समझ चुके होंगे इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा दिया आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं। जब भी इसको हो जाता है कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या होगा, इस जगह शेयर वाला बटन में क्लिक करके। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अगर इसका म्यूजिक लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो म्यूजिक लगाने के लिए इस जगह में ऑडियो में जाना होगा। ऑडियो में जाने के बाद आपको इस पोजीशन में आप जो भी म्यूजिक लगाना चाहते हैं, आपके पास जो म्यूजिक है, जो म्यूजिक आपको पसंद है, तो उस म्यूजिक के ले लेना है। लेने के बाद इसको इस जगह में प्लस वाला सिंबल है, ठीक है, चलिए प्लस वाला सिंबल में क्लिक करके उसको लगा देना है। ठीक है, इस बार देख लेना है इस पोजीशन में। ठीक है, तो आप इस तरह का से क्या कर सकते हैं, म्यूजिक भी लगा सकते हैं। और जब भी हो जाता है कंप्लीट होने के बाद आपको करना है शेयर वाला बटन में क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप शायद समझ चुके होंगे आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आप शायद समझ चुके होंगे कि आप इस तरह का वीडियो किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दिया आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो आई होप आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, यानी फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर घंटी को ही बजा देना। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।